आउटडोर में जो तारें आपने लाइन पे लगाई हैं लाइन पे जानी चाहिए, आपकी तारें चेंज नहीं होनी चाहिए, सिग्नल पे सिग्नल जाएगा, 220 वोल्ट जाएंगे। लेकिन जब आप इधर से निकलेंगे इनडोर से, फिर आपने न्यूट्रल और सिग्नल के दरमियान डीसी वोल्ट चेक करने, यहाँ पर डीसी वोल्ट आएंगे, एसी वोल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जो बताए ना वो बड़ी बेस्ती करने वाला है, तुम लोगों को नहीं मेरे कर ये भी देखे हैं, देखे हैं कंपनी का कंपनी में कंपनी के लिए कोई अगर आपका लक्ष्य क्लियर है ना जी, तो कंपनी में आप आ नहीं खाते, अगर लक्ष्य क्लियर नहीं है फिर आप क्योंकि वो लक्ष्य सारी गेम है लक्ष्य की, क्या पूछा गया था फ्लैक्स या फ्लैश है, किसको किसको फ्लैश करना है आपने सर, मैंने इनको बताया था जो ऑन कर देते हैं प्रॉपर, आपका ये यहाँ पर किए हमने सेक्शन लाइन पर आप बंद कर दीजिए, सेक्शन लाइन के वाल को आपने ऊपर से कैप लगा के बंद करना है, यानी ऊपर आपने चार्जिंग लाइन लगा के उसे आपने जहाँ पे वो लाइन लगी हुई है ऊपर आप लाइन लगा दें, क्योंकि आपका गैस का प्रेशर इधर से जाएगा, आपने गैस देनी है तो साफ जाएगा, ऊपर से खुला होगा या आप एल की बंद कर देंगे तो गैस नहीं जाएगी ऊपर, हम क्या करते हैं लाइन लगाते हैं, ये कितनी बार यहाँ पे कर चुके हैं, लाइन लगा देते हैं, लाइन ऊपर से पंच हो गई है, पंच है बंद है, तो हम क्या करेंगे इधर से गैस का प्रेशर देंगे, कंप्रेसर क्या करेगा गैस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा गैस कहाँ से वापस आएगी सेक्शन लाइन से वापस आएगी, तो इधर से हम इसे वॉश करते हैं, तो आप इसे रोकें प्रेशर को, अब देखें इसका मैं इसे सिंपल, ये कंप्रेसर, कंप्रेसर से गैस आपकी कंडेंसर में गई, ठीक है, कंडेंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर आपका वॉल लगा हुआ है, इसे कहते हैं लिक्विड लाइन का वॉल, ठीक है, या इसे आप दूसरी दुकान कहते हैं कि डिस्चार्ज वॉल, डिस्चार्ज वॉल एक्चुअल नहीं है जी, ये लिक्विड लाइन का वॉल्व है, तो डिस्चार्ज सर्विस वॉल इसे डिस्चार्ज सर्विस वाल हो गया, अब इसके जो सेक्शन है ये सेक्शन सर्विस वाल लग गया, सेक्शन सर्विस वाल के तलो कंप्रेसर के साथ है, यहाँ से आपके डिलीवरी गए इनडोर में, इनडोर से गैस सेक्शन लाइन के जरिए वापस आ रही है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर ये जो लाइन लगी हुई है इस लाइन को आपने उतारना है, लाइन को उतार लेंगे, उतार कर इस जगह पर हम एक लाइन बना के, यहाँ तो कितनी बार मैं करूँ सेकेंड क्लास में काम किए हैं, यहाँ पर फ्लेयर नट एक आधी का एक पाइप 3/8 का पाइप 5/8 के पाइप हमने बना के रखे हुए होते, तो आगे से ये लाइन पंच है एक फुट का 3 इंच का 4 फुट का छोटा सा बनाकर इसका फ्लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये यहाँ से पंच है, अब इधर से हम गेज लगाकर हम प्रेशर हम रखते हैं 10 PSI या 15 PSI, गैस का प्रेशर कंप्रेसर कंप्रेस करेगा गैस को, गैस को इनडोर में भेजेगा, आपने यहाँ पर इसे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, गैस का प्रेशर आएगा, अब इधर से इसको वॉश करना शुरू कर देंगे, आपका ये इंडोर कंडेंसर भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये वेपरेटर भी क्लियर हो जाएगा, सिंपल मेथड है आसान, यहाँ यहाँ पर जो हमारे पास मेथड होता है अब इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं, अगर वैक्यूम पंप नहीं है फिर भी इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं, कि दुकान पर यूनिट आ गया आपने कंप्रेसर चेंज किया लेकिन वैक्यूम पंप नहीं पड़ा हुआ, फिर इस मेथड को हम फॉलो करके इसको हम क्लियर करते हैं, असल चीज़ है खोपड़ी साथ हो, खोपड़ी साथ हो, आप टीचर के एंगल नहीं आप अपने एंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस रास्ते से मैंने इसको वैक्यूम करना है, कैसे मैं इसको वॉश कर सकता हूँ, अपने खोपड़ी से बंदा काम करता, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, सारे मेथड जितने भी काम में हमने खुद सीखे, ये मुझे याद नहीं कि किसने हमें तो परीज किया किसी मसले पर, नहीं ये मसले हैं वो मसले हैं, अपने आप को इस्तेमाल किया कि कैसे वर्क हम कर सकते हैं बंदा काम कर लेता है, अब इन्वर्टर के मैं आपको कनेक्शन बता रहा था उसमें है लाइन न्यूट्रल कंट्रोल सिग्नल, लाइन को लाइन के साथ आपको मैंने इसका कार्ड दिखाया था आपको, आपको मैंने कार्ड दिखाया था इसका, ये इन्वर्टर का कार्ड सेकंड क्लास तक मैं आपको कार्ड दिखा था, लाइन न्यूट्रल और सिग्नल, आपकी पावर इनडोर में, इनडोर के अंदर पावर कंपनी ने लगाई हुई है, आपके पास 3 ऑप्शन वहाँ पे हैं लाइन न्यूट्रल सिग्नल, ठीक
ठीक है, आउटडोर के अंदर भी लाइन न्यूट्रल सिग्नल लगा हुआ है, तो लाइन को लाइन के साथ, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ, सिग्नल को सिग्नल के साथ। इनडोर का कार्ड सिग्नल देगा तो आपका आउटडोर का कार्ड ऑन होगा, अगर वो सिग्नल नहीं देगा तो कार्ड ऑन नहीं होगा। यहाँ पर जो सिग्नल पे वोल्ट आते हैं वो डीसी वोल्ट आते हैं। आपने वोल्ट किसके दरमियान यहाँ चेक करने होंगे, आपने जो चेक करने होंगे फर्ज इनडोर है, आपने न्यूट्रल और सिग्नल के दरमियान वोल्ट चेक करते हैं डीसी वोल्ट। यहाँ तो एसी वोल्ट जा रहे हैं लाइन पर, इसको आपने देखना है ये सिग्नल यहाँ पे जो निकालेगा वोल्ट, ये डीसी वोल्ट आने हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या वोल्ट यहाँ पे हमारा इनडोर का कार्ड आगे सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब इनडोर का कार्ड फाड़ दिए, अगर ये सिग्नल दे रहा है तो इसका मतलब एक आउटडोर का कार्ड फाड़ दिए। अभी सिर्फ मालिक का इंतजार है इधारे के कि हमने यहाँ पर यूनिट है, दरअसल यूनिट हमारे बर्बाद बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इदारे का लॉस होता है। तो इन्वर्टर एक लिया हुआ है तो आप ये इनसे बात करेंगे आया इन्वर्टर ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इन्वर्टर जो है कीमत ज़्यादा है, इन्वर्टर डेंजरस है कि सारा इसके अंदर पार्ट सिस्टम है कि किसी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है या किसी ने तो पंगा कर दिया तो पार्ट बर्बाद हो जाएगा, और नया पार्ट तकरीबन 16-17 हज़ार 18 हज़ार रुपये का पार्ट है, रिपेयरिंग इसकी 5-6 हज़ार 7 हज़ार इसलिए रिपेयरिंग है इसकी। तो इन्वर्टर किसी को जब हम कहते हैं तो हम उसे सिर्फ चेकिंग कहते हैं, भाई ये चेक कर, इसके बाद कोई वारंटी नहीं है, दूसरा ऐसी हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बच्चों का खेल है जैसे आपसे सवाल करते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल में चिपलेट के अंदर बेचारे के अंदर कुछ भी नहीं है कि उसको धड़ल्ले से जवाब दे, लेकिन अगर लेक्चर क्लियर है, ये बातें कई बार मैंने आपको समझाई हैं, अगर नहीं क्लियर हो रहा अभी सिपलेट फिर आ रहा है आगे कैप्चा भी आ रही है, मैं इसको फिर इसे रिवाइज कर दूँगा। सिपलेट और घंटों पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसको वॉश करना सर्विस करना ये मामूली खेल है, बाकी फील्ड के अंदर जो जाना चाहे मुझे 3-4 स्टूडेंट्स जो समझते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें, एक है इनडोर और आउटडोर के दरमियान पाइपिंग करना, पाइपिंग आपकी नहीं आई, अब पाइपिंग के अंदर ज़्यादातर आजकल सिल्वर का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आगे फ्लेयर बने हुए, फ्लेयर बने हुए आपने नट टू नट लगाना है, जब आपने इसकी गैस खोलनी है आपने पाइपिंग कर दी है, पाइपिंग करने के बाद सबसे पहला काम होता है पर्च करना, आपने गैस को पर्च करना है, कैसे करना है अभी आपको याद नहीं आता, डिलीवरी का वाल हल्का सा खोलना है आपने, हल्का सा खोल के बंद कर देंगे, खोल के नहीं बड़े हल्का सा खोलेंगे बंद कर देंगे, फिर ये जो पिन वाल यहाँ पे सेक्शन सर्विस वाल पर पिन वाल लगा हुआ है, इस पिन वाल को पुश करेंगे, जैसे ही आप पुश करेंगे तो जो आपने गैस का प्रेशर खोला है वो आपका कंडेंसर से गैस निकली है, इनडोर में गई है, इनडोर से पाइप के जरिए यहाँ पर आ गई, अब पर्च कर दिया आपकी लाइनें क्लियर, पर्च मस्त होता है, पर्च लाजमी करना होता है, जैसे इन्वर्टर को ज़्यादा करना होता है, इन्वर्टर के अंदर अगर हल्का सा भी एयर रह गई तो इसके अंदर ज़्यादा तो जो चांस होता है वो चांस ये होता है कि आपके जो पाइप हैं ये लीक हो जाते हैं या कंप्रेसर ब्लास्ट मारते हैं। इन्वर्टर के अंदर गैस चार्जिंग 410 गैस चार्ज होती है, इसका जो चार्जिंग प्रेशर है तकरीबन हम रख रहे हैं 120-125-130 भी ऐसे जहाँ पे हमें रिटर्न प्रॉपर मिलती है वहाँ पे रखते हैं, अभी मैंने 110 पर भी चार्ज किया है, लेकिन फॉरन कंटेंट में 135-140 यहाँ पे चार्ज हो रहा है, 130 PSI। इसमें इन्वर्टर में डायरेक्ट गैस चार्ज नहीं होती, आप हर चीज़ को आप ध्यान में रखें, इसमें पहले अडाप्टर लगेगा, अडाप्टर लगेगा उसके ऊपर आपकी लीड लगेगी, वरना लीड नहीं लग सकती इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी पाइपिंग क्या होती है, आपने पाइप लिया इनडोर और आउटडोर के दरमियान, आपने पाइप की पैमाइश की कि आपका इनर ये लग रहा है आउटर कहाँ लग रहा है, आउटर की सीधी सीधी पैमाइश नहीं करनी होती, आपने ब्रांड को भी देखना होता है ब्रांड कितने आएंगे, समझ आएंगे नहीं, ब्रांड को भी खास तौर पे ब्रांड ऐसे नहीं है इस तरह ब्रांड होगा, ब्रांड बड़ा होता है, अगर आप स्प्रिंग बैंडर इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रिंग अपना बैंडर है, आपने क्वार्टर का पाइप है इसके लिए स्प्रिंग बैंडर की जरूरत नहीं है, हम हाथ से ऐसे बैंड कर लेते हैं बड़े प्यार से दोनों हाथों से, इस तरह नहीं बैंड करना, ऐसे दोनों हाथ बराबर आके इस तरह बैंड करते हैं, अगर आधे का पाइप है ठीक है ट्यूब है, आपने उस आधे के पाइप के स्प्रिंग बैंडर के अंदर पाइप को दाखिल कर देना, कर दिया जितने जावे पर मोड़ना है दोनों अंगूठों का बराबर दबाव डालकर इस तरह बैंड, ये स्प्रिंग बैंडर को इस तरह नहीं खींचा जाता, बस खेल रहे होते हैं औजार खेलने के लिए, इसमें स्पेस आ जाएगा स्प्रिंग खराब हो जाएंगे, फिर आपकी ट्यूब यहाँ से जो है वो डैमेज हो जाएगी पिचक जाएगी, इस वजह से आपको इसको जो है औजार है इससे खेला नहीं जाता, जहाँ भी आपने बैंड करना है छोटे से छोटा बैंड भी आप दे सकते हैं ये ट्यूब,
फिर आप देखते हैं आपकी ट्यूब फंस गई है, नहीं निकली, ट्यूब को थोड़ा सा सीधा कर दें, सीधा कर दें, स्प्रिंग बैंडर को इस तरह घुमा के बैठ कर, जो छोटे बैंड होते हैं वहाँ पर हम स्प्रिंग बैंडर इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़ा बैंड है, जगह है, हमें पता है कि यहाँ पर ये पूरा नहीं लगेगा पाइप, तो फिर हम हाथ से आराम आराम से इस तरह दबाव दे के हम उसे बैलेंस करते हैं, बैंड करते हैं। ज़्यादातर हाथ से होता है, लेकिन स्प्रिंग बैंडर जब आपने एंड आ जाए, स्प्रिंग बैंडर बाहर निकाल लेना है, ये ना हो कि स्प्रिंग बैंडर ही अंदर रह जाए। स्प्रिंग बैंडर निकाल के आपने पास औजार में 3/8 है आपके पास पाइप, 5/8 आपके पास है आगे का पाइप है, तो आराम से पाइप को बैठ आइए बाथरूम में जाते। इस तरीके से स्प्रिंग बैंडर से छोटा बैंडर जितना भी है, स्प्रिंग बैंडर हमारे टूल बॉक्स में लाजमी मौजूद होता है। सिल्वर के पाइप में स्प्रिंग बैंडर की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो आराम से बैंड हो जाए, किस एंगल पे लेना चाहे, लेकिन ये कि ट्यूब पिचके ना। अगर ट्यूब पिचक गई तो आपकी सेक्शन लाइन अगर पिचक गई है तो आपका क्या होगा, इस पर आइस आना शुरू हो जाएगी, सेक्शन लाइन पर आइस आ जाएगा। अगर डिलीवरी पिचक गई तो आपका यूनिट के अंदर रिटर्न सेक्शन ही नहीं मिलेगी, सेक्शन ही नहीं मिलेगी, आपका यूनिट खाली चलेगा, आप गैस ही गैस मंडी रखेंगे, सेक्शन ही मिलेंगे, सारी गैस कंटेनर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें छोटे छोटे आपने ट्यूब को क्या किया, आपने पैमाइश ली, जितने पीस है आप 10 फुट की लेंथ है, 10 फुट की आपने लेंथ ली, वेलफर्थ 1 टन का यूनिट है, ये कई बार बताया जा चुका है, 1/4 का पीस और आधे का पाइप इस्तेमाल होगा। बाद हायर के यूनिट में हराम टोपी हो रही है, हायर के अंदर सबसे ज़्यादा हराम टोपी हायर के अंदर आ रही है। हायर के अंदर नंबर 1 आउटडोर जो है, इसको लेते वक्त आप देखें आउटडोर का जो कंडेंसर है वो सिल्वर का बना हुआ आ रहा है, आपने देखा है सिल्वर में ना हो, सिल्वर बड़ी जल्दी लीक कर जाता है, वो अजाब खड़ा हो जाता है। अब आप 1/4 और आधी का, लेकिन ये हायर क्या कर रहा है, यहाँ पर 3/8 दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3/8 दे रहा है, तो हमारे लिए अजाब खड़ा कर रहा है। अब 3/8 का हमें सिल्वर का पाइप बाजार से अवेलेबल नहीं है, जो किट हमें मिलती है वो 1/4 बाई आधी की मिलती है, फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, तो आपको मैजिक नट पे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले उसके साथ ही फ्लेयर बना हुआ है, यहाँ पे फिर अडाप्टर लगेगा। अडाप्टर में क्या साइज किस तरह लेंगे, अडाप्टर में आपके पास फीमेल साइड जो है वो आधी ही होगी और मेल साइड जो है वो आप, हाँ ये 3/8 का पाइप है, ये जो फीमेल साइड है इधर जो इन्होंने दे दी है यूनियन दी है, ये 3/8 की है, तो आप लेंगे 3/8 बाई आधी, मेल आपके पास जो होगा वो आगे का पाइप आएगा और इंटरनल जो है फीमेल साइड जो है जिसके पर यूनिट चढ़नी है वो आपकी 3/8 आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अडाप्टर लगाएंगे, अडाप्टर लगा कर निज़ाम को हम अपना ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से आउटडोर के अंदर भी फिर हमें अडाप्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर मसला है, आउटडोर के अंदर जो आपका यूनिट दी है कंपनी ने वो 3/8 की दी हुई है, पाइप आपके पास आगे क्या है, तो क्या करेंगे, अडाप्टर लगा दें, अडाप्टर लगा कर निज़ाम आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं इंटरव्यू देने लगा हूँ, क्या पूछ रहा है, तो इंटरव्यू एक मजाक है, मैं समझता हूँ सिंपलेट के अंदर, इस बेचारे के अंदर कुछ है क्या, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, इसके अंदर कुछ भी नहीं, मैंने आपको कार्ड के कार्ड भी समझाए थे क्या क्या है, किस तरीके से आपने कदम उठाना है, अगर इसे कहेंगे तो मैं रिवाइज से कर दूँगा, क्योंकि अभी वैकेंसियाँ आएंगी फॉरन की, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा आती हैं सर्दियों के अंदर, वजह क्या होती है, इंस्टॉलेशन का काम होता है सर्दियों में, गर्मी में, ताकि आपका सिस्टम पूरा रेडी हो जाए, ये नहीं कि हमारा काम ख़त्म हो जाता है, काम ज़्यादा जोर पकड़ लेता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंस्टॉलेशन का। आजकल ज़्यादातर इन्वर्टर लग रहा है, नया जितना भी आ रहा है इन्वर्टर लग रहा है, लेकिन हम लोगों को मना करते हैं कि इन्वर्टर की तरफ ना जाए, इन्वर्टर के अंदर लीकेज इशू, गार्ड इशू, ये अजाब बने रहते हैं मकैनिक के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, क्यों, कभी क्या ख़राब, कभी क्या ख़राब, बाद अगर क्या होता है मकैनिक के पास ले जाते हैं, वो कार्ड का पट्टा खोल कर देते हैं, कस्टमर हमारे गले में पड़ जाते हैं, वो पहले कहते हैं कि ख़राब हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं, पहले ख़राब है, अब क्या होता है, ख़राब तो कर दिया, लेकिन एरर कोड चेंज हो जाते हैं, बिल फर्ज वो दे रहा है, एरर कोड दे रहा है E8 दे रहा है, F8 दे रहा है, F8 का मतलब ये होता है कि इसका आउटडोर का सेंसर जो है वो फॉल्टी है, मुझे लड़का मुझे दे दे, मैं आपको सारे एरर कोड सेंड कर दूँगा, दे दे, मैं एक को फिर आगे आप, मैं इसको देखता हूँ, हर कंपनी का एरर कोड है, आपके आम यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा जो आता है F8 का एरर आ रहा होता है, इसका मतलब ये होता है आपका जो इनडोर का जो कॉइल सेंसर है, कॉइल सेंसर फॉल्टी है,
कॉइल सेंसर चेंज कर देंगे, हम ज़्यादातर कार्ड खराब कर देते हैं, कार्ड खराब है, लेकिन हमें पता होता है भाई माने है ना, अगर आप कभी से बात नहीं करते। आम एसी हैं ये भी आजकल एयरपोर्ट पे आ गए, एयरपोर्ट देखें क्या कहता है, फिर उस जगह पे जाके हार डाल। बहुत कंपनियाँ एयरपोर्ट चेंज करती रहती है, खराब तो अभी नहीं है, एयरपोर्ट पुराना होता है, नया एयरपोर्ट जो है वो उसने अपलोड किया करते ही नहीं है, तो फिर हम फंस जाते हैं। इस टाइप के कई इशू खड़े हुए हैं कि उस चीज़ को हमने हाथ मार मार के चेंज कर करके काम कर गया, लेकिन नहीं हुआ। फिर उनका मैकेनिक के पास ले गए, वो कहते हैं यार ये एयरपोर्ट चेंज करते रहते हैं। दुकानदार आपस में रास्ते में रहते हैं ना, ये जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे होते हैं, फिर एक दूसरे से पूछ के उस चीज़ पर वो हाथ डालते हैं, ये बात आते हैं खुद नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिंक बेस पे एक दूसरे से डाउन करके फिर उस चीज़ को फॉल्ट को सॉल्व करते हैं और 6-7 हज़ार रुपये आपसे मांग लेते हैं। और अब आपके पास एक टन का यूनिट है, आपका पाइप का साइज़ क्या है, जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं 90% यही सवाल है कि आपका जो यूनिट है इसमें स्प्लग के फॉल्ट वगैरह नहीं लिखा है मैंने, फ्रिज के तो लिखा दिए थे। फॉल्ट नहीं सर, आज जीटी चेक करना है सर, ये आपने वो लेक्चर लिखवाया ही नहीं है, बस प्रैक्टिकल हुआ है। चलिए ये ख़त्म करें ना स्प्लग को, तो उसके बाद मैं फॉल्ट की तरफ आऊँगा, फ्रिज एसी वगैरह सारों के फॉल्ट में लिखा दूँगा। अब एक टन का यूनिट है, कार का साइज क्या है, क्वार्टर भाई आप जी, ठीक है, कुछ नहीं बताएँ कि बाज़ कंपनियाँ जो हैं जैसे हायर है वो 3/8 भी दे रही। उसके बाद आपके पास डेढ़ टन का भी यही साइज है, 2 टन के अंदर क्या करिए, 2 टन के अंदर साइज चेंज है, 2 टन के अंदर क्वार्टर बाई 5/8 है, क्वार्टर बाई 5/8 है। कुछ कंपनियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पे 1/4 की बजाय 3/8 दे रही है, 3/8 by 5/8 दे रही है। कौन सी कंपनी है मेन जो है खासतौर पर एक्शन जो है वो एक्शन यहाँ पे 3/8 दे रहा है, लेकिन हम पाइप 3/8 का नहीं लगा रहे, हम लगा क्वार्टर कर रहे हैं क्योंकि 3/8 बहुत महंगा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैजिक नट मारते हैं, क्या लगाएंगे, मैजिक नट लगा कर तो हम यहाँ पर 3/8 की जगह क्वार्टर लगाएंगे। अब मैजिक नट यहाँ पर क्या करेगा, मैजिक नट कैसे होगा, आपका ये क्वार्टर का पाइप आ रहा है, आप मैजिक नट लेंगे, जो नट का साइज़ है वो इस ट्यूब के बराबर होगा, इसके अंदर फिक्स होगा, आगे जो उसका मुंह होगा वो खुला होगा, वो 3/8 पे फिक्स है। मैजिक नट से अडाप्टर जो महंगा पड़ता है, अडाप्टर में नफड़ा ज़्यादा है, मैजिक नट में मसला ही नहीं है, आम नट की तरह नट चढ़ जाते हैं। सारी जगह पर इस टाइम गेम जो चल रही है वो मैजिक नट है, ये पहले नहीं था, 2-1 साल हुए इस मैजिक नट को आए हुए, सारे आप मैजिक जहाँ भी जाते हैं मैजिक नट लगाते हैं, अगर ना पड़ा हो हमारे पास अडाप्टर पड़ा हो फिर अडाप्टर लगाते हैं, पैसे खर्च नहीं करते फिर अडाप्टर लगाते हैं। जो भी चीज़ हमें अवेलेबल होती है, मार्केट में ना जाना पड़े, मार्केट से कुछ चीज़ हमें परचेज ना करनी पड़े, हम कोई जो है उसी पर ही गुजारा करते हैं, मैजिक नट है या जो भी है। ये सवाल की स्प्रेड में तो पूछे ठीक, आप जहाँ सवाल जाते हैं आप लोग टेस्ट इंटरव्यू के लिए सवाल देखा करें क्या पूछ रहे हैं, मुकम्मल उसे कहें सर ये क्लियर नहीं हो रहा आपका सवाल क्या पूछना चाहते हैं। ज़्यादा सवाल क्या होता है, गैस कौन सी चार्ज होती है, चार्जिंग प्रेशर क्या है, 410 में कौन सी गैस, इन्वर्टर में कौन सी गैस चार्ज करें, कितना चार्जिंग प्रेशर आप रख रहे हैं, इसके अलावा 120-130 PSA रख रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि आउटडोर के अंदर कौन सा आपका कैपेसिटर लगा होता है, रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, 1 टन के साथ कितने माइक्रोफैरड का लगाते हैं, 1.5 टन के साथ कितने का लगा कैपेसिटी का लगाते हैं, 2 टन के साथ किस कैपेसिटी का लगाते हैं, बस ये सवाल होते हैं आपके पास। और ज़्यादा सवाल लंबे छोड़े सवाल नहीं पूछे जाते आप लोगों से, कि लंबे छोड़े सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इसी के बारे में दूर करते हैं सर। इंजीनियर लेता है या डिप्लोमा होल्डर, मतलब किस, हाँ मैकेनिक लेते हैं, फिर फील्ड वाइज हम उसको फील्ड वाइज जवाब देना है, इंजीनियर इसमें जो वायर वाले इंजीनियर वाले गेम में है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यहाँ इंजीनियर लेवल पर है, वहाँ फॉरन नहीं है, इनके पास नॉलेज ही नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियर लेवल है नॉलेज ही नहीं होता। हाँ असल जो जो नॉलेज है वो टेक्नीशियन के पास होता है, सुपरवाइजर के पास होता है, ये जो ऊपर इंजीनियर बैठे होते हैं अल्लाह मियाँ की गाय होती है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं। अगर उसे काफ़ी अर्सा हो गया है उस फील्ड में फिर तो उसके पास नॉलेज होता है, अगर फ्रेश है कोई पता नहीं होता, फिर इंजीनियर टेक्नीशियन से सीख के ना वो फिर इंजीनियर बन जाता है, हम ही लोग उसे इंजीनियर बनाते हैं, वरना इंजीनियर लोग होते नहीं, हम उन्हें वो करते हैं। मेरे को
जा रहे हैं साइड पर, एक आप आपको भेज देता हूँ बोलना सब तीन, वो बंदे अच्छे मांग रहा था बेइज्जती ना कराना, बेइज्जती करेगा मेरी धड़ाधड़ करेगा, वो पता ही है सर, मेरी नहीं मारता बेइज्जती करने के, जहाँ भी जाना अपने काम करने ना, इस्लामाबाद की लोकेशन मेरे पास लोकेशन है इस्लामाबाद की, जहाँ भी होगा कभी कि बैरिया कभी किधर ज़्यादा जो सूट करता है मोटरसाइकिल वाले लड़के हों तो उन्हें सूट करता है, ये जो इस तरह आना जाना है ना ये बड़ा मसायल होते हैं। अब उसके पास भी बाइक और गाड़ी दोनों चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन ये वो कहाँ से आपको पिक करता रहेगा, नहीं कर सकता पिक, आपको बाइक है आपके पास फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी है हम दोनों, मैं तीन चार स्टूडेंट जो मुझे बताएं मैं उसे फिर से बता देता हूँ कौन कौन जाएगा, एक आप है जी।